नमस्कार। उत्तराखंड का खास बुलेटिन देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के उत्तराखंड के खास बुलेटिन की। धामी सरकार की आज कैबिनेट बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में होने वाली इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर फैसला हो सकता है। इन्वेस्टर समिट को लेकर भी आ सकते हैं अहम प्रस्ताव। और वहीं पर इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता धनराज गर्ग यहां पर ज्वाइन करेंगे। उनसे जानेंगे क्या पूरी जानकारी आ रही है और इस कैबिनेट बैठक में क्या कुछ प्रस्ताव और आ सकते हैं। और वहीं पर बात करें दिसंबर माह की, तो दिसंबर माह में होने वाले इन्वेस्टर समिट को लेकर भी सरकार पूरी तैयारियां कर रही है। और इसको लेकर किस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा निवेश जो है उत्तराखंड में आने की संभावना जताई जा रही है। और इसको लेकर जो ये समिट है ये करवाया जा रहा है, इन्वेस्टर्स मीट करवाई जा रही है, जिस बीच उत्तराखंड को काफी फायदा होगा। परियोजनाओं की शुरुआत होगी, बिजनेस सेटअप होंगे, प्राइवेट इंडस्ट्रीज को काफी ज्यादा बूस्ट मिलेगा। क्योंकि जब इन्वेस्टर समिट यहां पर होगी तो उस बीच अलग अलग जो इन्वेस्टर्स हैं वो उत्तराखंड में इन्वेस्ट करेंगे और इस बीच उत्तराखंड की जनता को रोजगार के कई साधन मिलेंगे। उससे काफी ज्यादा जो फायदा है वो जनता को पहुंचेगा। और इसी को लेकर आज धामी सरकार की एक अहम बैठक होने वाली है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाही में इस बैठक की ये जो अगुवाही है ये सीएम खुद करेंगे। और इस बीच कई मुद्दों पर और भी फैसला हो सकता है, लेकिन वहीं पर सबसे बड़ी जो अहम बैठक होगी वो समिट को लेकर होगी, क्योंकि उत्तराखंड में जो तैयारियां हैं वो समिट की पूरी कर ली गई है। और इस बीच ये देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से जो मंत्री हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे, बैठक की शुरुआत कब होगी और वहीं पर समिट को लेकर किस तरीके से चीज़ें होनी चाहिए। खासकर बात करें अगर हम उत्तराखंड की कायापलट की, तो जैसे कि आपको हमने पहले भी तस्वीरों में दिखाया था कि देहरादून में अब जो कायापलट का कार्य है वो शुरू हो चुका है और पूरी सिटी को सजाया जा रहा है। और इस बीच जो समिट होगा उसको लेकर भी जो प्लान है वो पूरे तरीके से सरकार उस पर काम करने के लिए शुरू हो चुकी है। हायर ऑफिशल्स को कमांड दे दी गई है और निर्देश दिए जा रहे हैं कि किस तरीके से कार्य करना है, समिट को लेकर किस तरीके की तैयारियां होनी चाहिए। और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो अपनी अपनी भागीदारी यहां पर देते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ साथ आपको बात ये भी बताएं कि समिट की जब शुरुआत होगी तो इस बीच उत्तराखंड को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि इन्वेस्टर्स जब बड़ी तादाद में पहुंचेंगे तो इस बीच काफी ज्यादा जो निवेश है वो यहां पर उत्तराखंड में होता हुआ नजर आएगा। और इस बीच प्राइवेट सेक्टर को जब बूस्टअप मिलेगा तो जो रोजगार के साधन है वो भी खुलना शुरू हो जाएंगे। इस बीच इस समिट को लेकर जो कार्य है वो हो रहे हैं और अब पुष्कर सिंह धामी इस बैठक में अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे। कैबिनेट के बड़े बड़े मंत्री इस बैठक में होंगे और इस बीच समिट को लेकर जो पूरी तैयारियां हैं उस पर चर्चाएं होंगी और फिर उसे अंतिम रूप में संपन्न किया जाएगा। तो चलिए अब अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। देश के चार राज्यों में आए चुनावी नतीजे के बाद भाजपा में खुशी की लहर है। भाजपा मुख्यालय देहरादून में पार्टी को मिली जीत के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और आतिशबाजी कर जीत की खुशी मनाई गई और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उपस्थित रहे। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मुख्यमंत्री यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से जनता लाभान्वित है और यही वजह है कि भाजपा को जनता का स्नेह लगातार मिलता जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा ने भारी बहुमत से जीत दर्ज की है। जनता ने अपने मन की बात बता दी है कि 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर प्रचंड बहुमत की सरकार बनने वाली है। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर सरकार दोबारा बनी है, रिपीट हुई है, ये सुशासन की जीत है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से कांग्रेस की विदाई हुई है, जनता ने तुष्टीकरण, परिवारवाद और सनातन के खिलाफ
अपना मत दिया है और इस प्रकार की राजनीति को किनारे किया है, जो सनातन और तुष्टिकरण के पक्ष विरोध में रहे हैं उनको किनारे करने का काम किया। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत पहले से बड़ा है। मैं सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां निर्वाचित हो रही है उनको मैं बधाई देता हूं, वहां के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं, केंद्रीय नेतृत्व को बधाई देता हूं और वहां के प्रदेश के कार्यकर्ताओं को और नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई, आम जनता को सामान्य जनता को बधाई। और 2023 का ये सेमीफाइनल था और फाइनल का आगाज जनता ने स्वयं कर दिया है। धन्यवाद। मोदी जी का मंत्र और जनता का विश्वास इस जीत का आधार है। अब जनता जातिवाद नहीं अपितु विकासवाद को समर्थन दे रही है, जिसका उदाहरण चुनाव में हमने देखा है। भाजपा सरकारों के कार्यों को जनता धरातल पर देख रही है और उस जनादेश में वो परिवर्तित हो रहा है। किसी भी राज्य में और केंद्र में अब जनता केवल विकास चाहती है और विकास के लिए जनता मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है, इसका उदाहरण हम 3-4 में से 3 राज्यों में हमने देखा है। पहाड़ों की रानी मसूरी में मंडल अध्यक्ष राकेश रावत के नेतृत्व में 3 राज्यों में हुई भाजपा की प्रचंड जीत के उपलक्ष्य में मॉल रोड स्थित ग्रीन चौक पर सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और जीत का जश्न मनाया। इस मौके पर भारत माता की जय, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के जोरदार नारे लगाए गए, साथ ही पटाखे छोड़कर मिष्ठान वितरण भी किया गया। मैं इससे साफ निश्चित होता है कि देश को पता चल गया कि हमारा नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के हाथ में, जहां जहां नरेंद्र मोदी जी ने रैली करी है एक बम्पर जीत हुई है हमारी, और देश के सभी लोग मतलब नागरिकों को पता चल गया कि हमारे लिए कौन सबसे व्यक्ति विशेष है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज इतने प्रचंड के बहुमत से हम लोग यहाँ पर जीते हैं, और जहाँ जहाँ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रैलियां हुई हैं प्रचंड बहुमत से हम जीते हैं। और 2014 से लेकर लगातार 24 भी आने वाला है, 2024 से 14 से आपने लगातार देखा होगा कि जहाँ भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार वहाँ पर बम्पर जीत हुई है और लगातार हम बहुत ही बम्पर जीतों से जीत रहे हैं। इसी के लिए मैं सभी को हार्दिक बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सबसे लोकप्रिय नेता जिनका मैजिक आज पूरा विश्व मानता है, उनने जो संकल्प लिया है कि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है, उसी उनकी जो ये गारंटी है उसी का नतीजा है कि आज मोदी जी का जादू हर जगह सर चढ़कर बोल रहा है। 3 राज्य में हम क्लीन स्वीप सरकार बना रहे हैं, 4th राज्य में भी हमारी सीटें बनी है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं और चारों तरफ आज भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और पूरा भारत इसका जश्न मना रहा है। रुड़की में खानपुर के पूर्व विधायक प्रणव सिंह ने अपने रुड़की कार्यालय पर 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार आने की खुशी में जमकर जश्न मनाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां बांटने का काम भी किया। वहीं पर प्रणव सिंह ने कहा है कि 3 राज्यों में भाजपा पूर्ण बहुमत से आई है और जिसको देखकर लगता है कि उत्तराखंड में धाकड़ धामी और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी का जलवा आज भी बरकरार है, जिसके चलते इतनी बड़ी जीत हुई है। नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनका कोई तोड़ नहीं है, कोई उनका सब्स्टिट्यूट नहीं है। विपक्षी पार्टियां चाहे इंडिया बना लें, हिंदुस्तान बना लें, कुछ बना लें, हमारा जो भारत है, भारत में मोदी जी का कोई तोड़ नहीं है। कल हम शादी में जा रहे थे, मेरे साथ छोटे भाई चौधरी राम कुमार जी थे, एक इनके साथ बड़ा जद्दोजहद में पड़ गए, राजस्थान के कोई गवर्नमेंट सर्विस के वो गेजुएट अफसर थे कि साहब हमारे गहलोत जी ने ये कर दिया वो कर दिया और उस बार तो बीजेपी का पत्ता साफ हो गया। कल की बात बता रहा हूँ, चौधरी साहब का जवाब था कि साहब ऐसा कुछ भी कर दिया हो
हमारे मोदी जी का जलवा है। और मैंने कहा जलवा नहीं है, इंशाल्लाह जलाल है। तो आज आपने सबने देख लिया जलवा और जलाल हमारे आदरणीय मोदी जी का, नमो जिंदाबाद। और ये लोकसभा चुनाव के लिए एक प्रेल्यूड साबित होगा। आज जो हम 3 राज्यों में जीत के आ रहे हैं इतने बहुत बड़े मार्जिन के साथ, इसने हमारा आत्मविश्वास मजबूत किया है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर लोगों का विश्वास बढ़ा है और मोदी जी के नेतृत्व में जो राष्ट्र धर्म और राष्ट्रभक्ति का परचम लहराया जा रहा है उसको फुल स्केल एक्सेप्टेंस मिल रही है और भारत का युवा अपना भविष्य नरेंद्र मोदी में तलाश रहा है। लोकसभा चुनाव बिल्कुल, मैंने कहा ना शर्तीय रूप से कि ये जो इन 3 राज्यों में हमने फतह हासिल की है ये एक तरह से हमारी पटकथा लिख रही, पृष्ठभूमि बना दी है इसने आने वाले लोकसभा के चुनाव में। हमारे उत्तराखंड में भी धाकड़ धामी हमारे प्रिय भाई मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड में, और केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, पूरी की पूरी लोकसभा सीटें 5 उत्तराखंड में भाजपा जीतेगी। और भारतवर्ष में जो 303 इस बार यानी 303 सीट आई थी वो बढ़कर के 400 सीट हम लोग जीतेंगे। कांग्रेस के लिए क्या? ठीक है, कुछ नहीं कहूंगा, मुझे उनसे मतलब क्या है, जिस राह नहीं जाना उसके कोस क्यों गिनने। तीन राज्यों में हुई कांग्रेस की करारी हार पर हल्द्वानी विधायक सुमित हृदेश ने कहा है कि हम जनता द्वारा किए गए फैसले का सम्मान करते हैं, हिंदी भाषी राज्यों में हो रहे नुकसान की हमें समीक्षा करनी होगी। और उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद थी कि तीनों राज्यों में कांग्रेस मजबूती से सरकार बनाएगी, लेकिन हिंदी भाषी राज्यों में धार्मिक उन्माद में भावना से नतीजे बदले हैं। और सुमित हृदेश ने यह भी कहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अलकमान को बैठकर हार की समीक्षा करनी होगी। वहीं पर तेलंगाना में सरकार बनने पर उन्होंने वहां के संगठन को बधाई दी। उनका कहना है कि दक्षिण में कांग्रेस पार्टी पहले से ज्यादा मजबूत हो रही है। नहीं बिल्कुल, देखिए जो सारे सर्वे हैं, जो विश्लेषण थे, विशेषज्ञ थे, वो सारे नाकाम साबित हुए और हमारा भी उत्साह बहुत था और हमें, मेरे को व्यक्तिगत तौर से विश्वास था कि 4 में से 3 राज्यों में सरकार कांग्रेस की बनेगी। मेरे को बेहद खुशी है तेलंगाना कांग्रेस के संघर्ष के लिए, और रेवंत रेड्डी जी ने जिस प्रकार से वहाँ पे लीडरशिप दिखाई है और कांग्रेस वहाँ पे शून्य से उन्होंने बिल्कुल वहाँ पे सरकार की भूमिका में अब वहाँ पे रहेगी, और मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ। दक्षिण भारत में कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में है, ये लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र एक बेहद ही महत्वपूर्ण आकलन है। और लेकिन हाँ, जो हमारे हिंदी भाषी राज्य हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं ये नुकसान हो रहा है, लगातार हो रहा है, और ये नुकसान धार्मिक उन्माद मेरे हिसाब से बहुत बड़ा इसमें फैक्टर है। क्योंकि अगर आप राजस्थान की बात करें तो वहाँ पे लोक हित की ऐसी ऐसी योजनाएं चला रही थी कि 25-25 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में था और सिलेंडर 500 रुपये में दे रहे थे, OPS लागू कर दिया। तब भी ये जो विषय हैं जनता को, खैर जनता जनार्दन और लोकतंत्र जो भारत है और जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है इस विश्व का, तो उनका जो जनमत है उसका हमें, उसको हम नमन करते हैं, उसका साधुवाद करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो जनहित के मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं बैकस्टेप ले रहे हैं। और ये जो धार्मिक उन्माद है ये आगे आ रहा है हिंदी भाषी राज्यों में। कांग्रेस को हाई कमांड को बैठ के समीक्षा के साथ साथ इसका आकलन करके इसे काउंटर करने का एक रणनीति बनानी पड़ेगी लोकसभा। राजधानी देहरादून से अप डाउन करने वाले 8 ट्रेन अगले 3 महीने तक प्रभावित रहेंगी। आपको बता दें कि रेलवे में ट्रैक पर इंटरलॉकिंग कार्य के चलते ये निर्णय लिया गया है और साथ ही ट्रेनों के निस्तारण की तिथियां भी जारी कर दी गई हैं। ऐसे में ट्रेनों के संचालक बंद होने से यात्रियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जानकारी के लिए आपको ये भी बताएं कि स्टेशन सुपरिटेंडेंट विपुल नोटियाल ने बताया है कि आगामी 3 माह तक ट्रेनों का संचालन, ट्रेनों की पटरियों के कार्य व आगामी दिनों में कोहरे के चलते संचालन बंद किया जा रहा है और ये आदेश आगामी 3 महीने तक प्रभावी रहेगा। हालांकि जिन 8 ट्रेनों का संचालन बंद किया गया है, हालांकि इनमें से कई ट्रेनें हैं जो बीच बीच में संचालित होती रहेंगी ताकि यात्रियों को कोई असुविधा ना हो। स्टेशन से जो अफेक्टेड है हमारे स्टेशन की तरफ की, यह है 8 ट्रेनें, इसमें से आपके जैसे आपके 1, 2, 1, 3, 4 दो हैं आपके इधर के लखनऊ साइड के, जो बनारस है 41, 51, 19, 51, 20 जनता बुकिंग जिसकी रहता है एक्सप्रेस, वो है आपके। ये ऑल्टरनेट डेज में कैंसिल हो रही है, ये जैसे पहले होता था कि पूरे महीने पर कैंसिल कर दिया, अब ऑल्टरनेट डेज से आज आएगी तो कल नहीं आएगी,
ऐसे करके आज चलेगी तो कल नहीं चलेगी, ऐसे करके कैंसिल लेने होंगे। ये एक है आपके जनता जो आपके जाएगी लखनऊ वाराणसी, ठीक है, और दूसरी आपकी है दिल्ली साइड की, जैसे आपकी नंदा देवी हो गई और के उज्जैन हो गई, इंदौर हो गई, ये गाड़ियाँ हैं आपकी अलग अलग डायरेक्शन के, जैसे कई आपके लखनऊ साइड की हैं, कई आपके दिल्ली इंदौर साइड की है, ये अलग ट्रेन के अलग अलग ड्यूरेशन है इनका। और इसका मेन कारण इसका ये है, देखिए पहला तो फॉग, फॉग के टाइम में हर साल रहता है ऐसा, ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट हो जाती हैं तो पैसेंजर भी इनकन्वीनियंस रहती है, तो इसलिए करते हैं इनको कैंसिल करके शॉर्ट ट्रेक चलाते हैं कई कई जगह पर, ताकि पैसेंजरों को सुविधा रहे। और आपके सेकेंड रीजन रहता है, जैसे कोई मेजर काम होते हैं वो लोग इस टाइम पर पूरा कवर करते हैं, इस टाइम में ट्रेन कैंसिल रहती हैं तो काफ़ी प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे अभी मथुरा में हो रहा है हमारा, तो उस चक्कर में भी ट्रेन कुछ कैंसिल कर रहे हैं। नशे की लत से छुटकारा पाने के लिए लोग नशा मुक्ति केंद्रों का सहारा लेते हैं, लेकिन प्रदेश भर में चलने वाले नशा मुक्ति केंद्रों की अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है। लंबे समय से प्रदेश भर में संचालित हो रहे नशा मुक्ति केंद्रों ने अब तक ना रजिस्ट्रेशन करवाई है और ना ही मानकों पर खरे उतरे हैं। ऐसे में अब प्रदेश भर में संचालित हो रहे तमाम नशा मुक्ति केंद्रों को मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के तहत रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के नोडल अधिकारी मयंक भड़ोला ने कहा है कि प्रदेश भर में संचालित हो रहे नशा मुक्ति केंद्रों को 14 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा, अन्यथा बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित हो रहे प्रदेश भर में नशा मुक्ति केंद्रों पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। और आपको ये भी बता दें कि प्रदेश भर में मौजूदा समय में 100 से ज़्यादा नशा मुक्ति केंद्र संचालित हो रहे हैं, लेकिन पिछले लंबे समय से नशा मुक्ति केंद्रों को लेकर तमाम शिकायतें सामने आ रही थी और लगातार भारी अनियमितताएँ भी देखने को मिल रही थी। और ऐसे में भारी अनियमितताओं को देखते हुए नशा मुक्ति केंद्र के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण लगातार कार्यरत है कि उत्तराखंड की जनता को अच्छे मानसिक स्वास्थ्य केंद्र मिले और उसमें एक स्टैंडर्ड वे में सुविधाएं मिले। और मेरी अपेक्षा है प्रत्येक व्यक्ति से कि जिनके यहाँ भी मानसिक रूप से विक्षिप्त कोई व्यक्ति हो, नशे से ग्रसित कोई व्यक्ति हो, तो ऐसे लोग उन्हीं सेंटर्स में जाएँ जो कि हमारे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो। वर्तमान में मान्यता देने का प्रयास किया जा रहा है, हमने 14 दिसंबर जो है लास्ट डेट डिक्लेयर करी है, जिस दिन तक समस्त मानसिक स्वास्थ्य केंद्र, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, गवर्नमेंट सेक्टर में हो, समस्त नशा मुक्ति केंद्र, रिहैबिलिटेशन सेंटर, क्वार्टर वे होम, हाफ वे होम, ये अलग अलग तरह के सेंटर्स हैं जहाँ पे व्यक्ति को रखा जाता है, संरक्षण में रखा जाता है। ऐसे कोई भी सेंटर जिसमें आदमी को संरक्षित उसके फैमिली से अलग रखा जाता है, वो सारे सेंटर्स को रजिस्टर होना है। और आपके माध्यम से मैं सभी एनजीओस जो इस फील्ड में कार्य कर रहे हैं उनसे निवेदन करूंगा कि 14 दिसंबर तक वो अपने को रजिस्टर कराएं। उसके उपरांत उन सबका निरीक्षण होएगा, यदि उन्हें निरीक्षण में ठीक पाए जाते हैं तो उनको आगे हम लोग परमानेंट रजिस्ट्रेशन की तरफ बढ़ेंगे, और अगर नहीं पाए जाते हैं तो उन्हें पर्याप्त समय दिया जाएगा कि वो अपनी सर्विसेज को बढ़ाएं, जो हमारे मिनिमम स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं उस तक आने की कोशिश करें, जिससे कि हम प्रदेश की जनता को सुचारू उपचार दे सकें। अभी तक रजिस्ट्रेशन को लेकर क्या कुछ रुझान मिले? इसमें हमारा जो एक्ट है वो बड़ा क्लियर है, उसमें पहले से ही डिफाइंड है कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है, आज के टाइम में मैंडेटरी हो गया है। तो अगर यदि कोई सेंटर उसके बाद पाया जाता है कि जो बिना रजिस्ट्रेशन के रन कर रहा है, तो उसके ऊपर उचित कार्रवाई एक्ट के तहत दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत उचित कार्रवाई करी जाएगी, इसमें दंड भी है और साथ में जेल का भी प्रावधान। श्रीनगर से ऋषिकेश आ रहे एक ट्रक ट्रॉला देवप्रयाग में चालक के नियंत्रण से बाहर होकर गहरी खाई में गिर गया और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे की सूचना मिलते ही एनडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर अत्यधिक विषम परिस्थितियों के बीच कड़ी मशक्कत के बाद वाहन में फंसे चालक को बाहर निकाला। वहीं पर घायल चालक की पहचान 24 वर्षीय दीपचंद पुत्र सुग्रीव गोस्वामी निवासी ग्राम सुंदरपुर जहांगीरगंज यूपी के रूप में की गई है और पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे की जांच को शुरू कर दिया है। तो चलिए अब तक के उत्तराखंड के खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।